कुमकुम भाग गया कि आज के एपिसोड में अभी बहुत कंफ्यूज होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। इतने में आली के पास आता है और उसे बताता है कि वो कितना नर्वस है। आली उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सबके साथ होता है उनकी शादी से पहले, साथ अभी बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। इतने में उसकी पगड़ी भी खुल जाती है। दूसरा पूरब दादी और दादी सब प्लान बना रहे थे और वो सोचते हैं कि हम तनु का एक्स्ट्रा लहंगा उठाकर प्रज्ञा को पहना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उस लहंगे के पीछे कौन है। इतने में पूरब दासी से कहता है कि आप तनु के रूम में जाएं और वहाँ से वो लहंगा लेकर आएं। दूसरी तरफ अभी सीढ़ियों पर जा रहा होता है और दासी तनु के रूम में जा रही होती है। अभी दासी को रोकता है और कहता है कि मेरी पगड़ी खुल गई, आप मुझे बांधने में हेल्प कर दें। इतने में दासी अभी की पगड़ी बांध रही होती है। इतने में अभी को दासी में प्रज्ञा नजर आने लग जाती है। अभी दासी को हक कर लेता है जिस पर दासी उस पर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ प्रज्ञा पूर्व के पास आती है और कहती है कि शादी में इतना कम टाइम रह गया, ये सब कुछ कैसे होगा, हम लोग शादी का आउटफिट कहाँ से लेंगे। जिस पर पूर्व प्रज्ञा से कहता है कि हम तनु का लहंगा आपको पहना देंगे क्योंकि तनु के पास एक्स्ट्रा लहंगा है और किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर प्रज्ञा बहुत कंफ्यूज होती है। पूर्व उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आपको अपने हस्बैंड को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सल्ला अपनी बेटी प्रज्ञा के लिए बहुत वरिड होती है। वो प्रज्ञा कॉल करती है उसका हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन उसको उसकी आवाज़ से पता चलता है कि प्रज्ञा बहुत सैड है, इसलिए सल्ला उससे मिलने महरा हो जाती है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए स्टे फॉर डेली कुमकुम भाग्य न्यूज़ एंड अपडेट्स।